शेरा मैं अमन कौशिक फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में आज की यह वीडियो उन किसानों के लिए है जो भिंडी की खेती करते हैं और वेजिटेबल फार्मिंग में सब्जी की खेती में इंटरेस्टेड हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भिंडी की खेती में सामान्य रूप से अभी जो कीटों का प्रकोप हो रहा है वो वाइट फ्लाई है और माहू की जो समस्या है अभी मुख्यतः देखने मिल रही है। तो किसान भाइयों वाइट फ्लाई और भूरा माहू का जो नियंत्रण करने के लिए आपको कौन से इंसेक्टिसाइड का उपयोग हमें हमारी फसल में करनी चाहिए तो उसके लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। तो भिंडी की खेती करते हैं उनको एक समस्या आती है वाइट फ्लाई की, वाइट फ्लाई का नियंत्रण हम कैसे करेंगे। तो वाइट फ्लाई के नियंत्रण करने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी टेक्निकल्स उपलब्ध होती है लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे दवाइयों के नाम आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो बहुत ही वाइट फ्लाई के लिए ज़बरदस्त दवाई साबित हुई है। इसका स्प्रे अगर आपने किया है तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं पेगासस जो आती है सिजेंटा कंपनी की, ये वाइट फ्लाई के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। इसके साथ साथ भिंडी में हमारे एफिड व जेसिड का भी अटैक होता है जो चूसने वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे होती है जिसका नियंत्रण भी ये हम पेगासस का स्प्रे लेकर कर सकते हैं। तो ये पेगासस जो होती है किसान भाइयों एक स्प्रे जो हमारे लिए खर्च की बात करें तो ये 90 रुपये से 80 रुपये तक आपके मार्केट के अनुसार मिल सकती है। इसके टेक्निकल की बात करें तो डीएफ-फिनथिरोन 50% WP फॉर्म में ये इसकी फॉर्मुलेशन होती है। तो इस प्रकार इसका अगर उपयोग आप करना चाहते हैं तो वाइट फ्लाई के लिए जेसिड एफिड इन सब के नियंत्रण के लिए आप इसको भिंडी की फसल में स्प्रे ले सकते हैं। वाइट फ्लाई के लिए दूसरी दवा की बात करें तो सुमीटोमो नामक कंपनी की एक दवाई आती है सुमीप्रिंट नाम से, ये वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए और साथ साथ भिंडी में जो फ्रूट बोरर का अटैक होता है उन दोनों के नियंत्रण के लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई हो सकती है। इसका स्प्रे अगर आपने किया है तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आपके भिंडी की फसल में माहू का अटैक हुआ है तो उसके लिए आप इमिडाक्लोरपीड जो 70% WP फॉर्म में आती है उसका स्प्रे आप ले सकते हैं। और अब बात करते हैं वाइट फ्लाई की नेक्स्ट दवा की, तो टैग नैनो नाम से ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम की आती है जो डाइप्रोक्सीफेनवा नाम से ये टेक्निकल होती है जिसका स्प्रे आप वाइट फ्लाई के लिए कर सकते हैं। और वाइट फ्लाई के लिए आप एसीटामाफ्रिड आती है, एसीटामाफ्रिड जो है एक अच्छा विकल्प होगा आपके वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए, ये चूसने वाले कीट को नियंत्रित करने में भी ये बहुत ही कारगर साबित हुई है। तो अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो आप कौन से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे और आगे उसे दबाकर। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।